हाय, हमारा नाम मोहिनी है। वर्तमान में राशि राशि में रहता है। हमारे किले की मार्केट में स्टॉल चले हैं, जैसे मार स्टॉल हॉट है वैसे मिर्ची एफएम इज हॉट। हम एवरी टाइम मिर्ची एफएम सुनता है। हमारा नाम नदीम खान है और मिजला निवासी है। हम हरदम ऑनलाइन रेडियो मिर्ची एफएम सुनता है। फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट मिर्ची एफएम इज द बेस्ट। हमार नाम रियाज अली है। हम नटो का टैक्सी ड्राइवर है। मिर्ची एफएम दागो मामा बोल जुलो। मिर्ची एफएम इट्स हॉट। नमस्कार, समाचार दर्शन के साथ मैं हूं शायरीन शिवान। ऑपोजिशन मेंबर्स को आज बीते सालों की भयानक घटनाओं की याद दिलाई गई, जिनमें देश में हुए कई कू शामिल है। एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर या सैयद कैयूम ने ऑपोजिशन से मांग की कि वे डर्टी पॉलिटिक्स ना खेले और पॉलिटिक्स में जातीय भेदभाव ना लाए। एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट को याद दिलाया कि बीते सालों में जातीय दरार की वजह से फिजी को बहुत कुछ चुकाना पड़ा है। सैयद कैयूम ने बताया कि कई पॉलिटिशियंस अगले साल के इलेक्शंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वे जाति या धर्म इसमें शामिल करें। उनका कहना है कि ऐसा करने से देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। अटोर्नी जनरल अय्याज सैयद कैयूम ने आज पार्लियामेंट को बताया कि फिजी इलेक्टोरल कमीशन ने नेशनल फेडरेशन पार्टी लीडर प्रोफेसर बिमान प्रसाद को वॉर्न किया था, जब उन्होंने कमीशन को धमकी दी थी। जवाब में एनएफपी लीडर प्रोफेसर बिमान प्रसाद ने कहा कि अटोर्नी जनरल को पार्लियामेंट को गलत जानकारी नहीं देनी चाहिए। सैयद कैयूम ने कहा कि वे उन्हें गलत जानकारी नहीं दे रहे हैं और उन्होंने इलेक्टोरल कमीशन द्वारा लिखे गए एक लेटर को पढ़ा है। इस पर प्रोफेसर प्रसाद ने कहा कि वे कमीशन के लेटर का जवाब देंगे। सैयद कैयूम ने अपने स्टेटमेंट को वापस नहीं लिया। एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर चुनेव समाते ने आज ओपोजिशन एमपी सेमेसा करवाकी को याद दिलाया कि क्लाइमेट चेंज कोई मजाक नहीं है। उसमाते ने कहा कि ओपोजिशन मेंबर्स को क्लाइमेट चेंज को गंभीरता से लेना चाहिए। करवाकी ने इससे पहले इसी सप्ताह पहले क्लाइमेट चेंज को बकवास बताया था। उसमाते ने जवाब में कहा कि सरकार क्लाइमेट चेंज से निपटने की पूरी कोशिश करती रहेगी। और खेलकूद में भले ही फिजी एयरवेज ड्रुआ साइड पॉइंट टेबल पर सबसे आगे है, हालांकि उनके अनुसार वे न्यू साउथ वेल्स कंट्री ईगल्स को अंडरएस्टिमेट नहीं कर रहे हैं। दोनों टीम्स की भिड़ंत इसी शनिवार को नेशनल रग्बी चैंपियनशिप के तहत सिंगाटोका में होगी। कंट्री ईगल्स अब तक दो राउंड्स खेल चुके हैं तथा अभी तक उन्होंने जीत हासिल नहीं की है। वे सेवंथ पोजीशन पर है जबकि ड्रुआ थर्ड पोजीशन पर। और ये थे आज के मुख्य समाचार। इन समाचारों को आप हर दिन मिर्ची एफएम और रेडियो फीजी 2 पर सुन सकते हैं। शुभरात्रि। हम लवटोका में रहती हूँ और मेरे नाम श्री कुमारी है और हम रेडियो फीजी 2 का हवा सुनते रहती हैं। सुबह शाम हर रोज हम सुनते रहती है। बैंक जिलों का आवाज हमें सुनने में बहुत सुंदर लगता है। नमस्कार, हमारा नाम नरेश है, दौलत चीरा खेल के रहता है। रेडियो फ्री दर के हरदम सुनता है। अच्छा अच्छा प्रोग्राम रहे हुए। मैं हूँ नलेश नी लटोका सिटी से। मुझे रेडियो फ्रीजी 2 बहुत पसंद है। रेडियो फ्रीजी 2 देश की धड़कन।